हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। सरकार द्वारा इसकी जांच एसआईटी से जारी रखने और प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होने के एसआईटी के दावे पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही सरकार पर विपक्ष ने इस मामले को रफा दफा करने के आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला सीबीआई को देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक यह मामला सीबीआई को नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री ने काफी दिनों पहले इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का ऐलान किया था, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी सीबीआई पुलिस की जांच में नहीं सौंपी गई और एसआईटी से ही जांच करवाई जा रही है। सरकार इस मामले की क्लोजर रिपोर्ट बनाकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह मामला ऐसे खत्म होने वाला नहीं है। इससे सरकार से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर तक शामिल है। बीते दिन एसआईटी द्वारा एसके किंग पिन को गिरफ्तार करने और प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होने का दावा किया गया, लेकिन सरकार यह बताए कि पेपर किसने सेट किया था और पेपर प्रिंटिंग प्रेस तक कौन लेकर गया, यह जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए, जहां तक पुलिस भर्ती का सवाल है, मुख्यमंत्री ने सीबीआई को केस देने की घोषणा की, लेकिन मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ फरेब किया, धोखा किया, और अभी तक सीबीआई जो है उसको उसने केस टेक ओवर नहीं किया और ना सरकार की तरफ से प्रयास हुए। मुख्यमंत्री ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी भी ढंग से जो है इसकी क्लोजर रिपोर्ट बढ़ा दी जाए, जो कल किया गया है कि इन्होंने ये कह के कि प्रिंटिंग प्रेस से पर्चा लीक हुआ और हमने जो है केस जो है क्रैक कर दिया और फाइनलिटी हो गई, ये एसआईटी के थ्रू इसको फाइनल रिपोर्ट बना के इसको क्लोजर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मसला ऐसे ख़त्म नहीं होने वाला, ये मसला ऐसे ख़त्म नहीं होगा। इसमें सरकार शामिल है, इसमें पुलिस हेडक्वार्टर शामिल है, ये जो किंग पिन ढूंढने जा रहे हैं कहीं हरियाणा में जा रहे हैं, कहीं राजस्थान में जा रहे हैं, किंग पिन तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी में बैठे हुए हैं, ये जो है बिल्कुल धोखा किया जा रहा है। ये जो कल का जो दिखाया गया है कि प्रिंटिंग प्रेस से पर्चा लीक हो गया, इतने आसानी से पर्चे लीक नहीं होते। कौन था उसका कस्टोडियन, किसने पर्चा सेट किया, किसने पर्चा प्रिंटिंग प्रेस में छुपवाने की किसकी जिम्मेवारी थी, क्या पुलिस का कोई भी व्यक्ति इसमें दोषी नहीं है? ये कोशिश कर रहे हैं कि पर्चा जो है बेचा किसने और हम या खरीदा किसने, हम कह रहे हैं कि बेचा किसने। अब ये बेचा इन्होंने उसके उस पर लिया, ये प्रिंटिंग प्रेस वालों ने बेचा, ऐसा नहीं है, ये इतना सरल केस नहीं है। और सीबीआई को ना दे के इतना टाइम लगा के जितना टाइम वेस्ट किया गया, ये सिर्फ जो है इस मामले को दबाने का प्रयास हुआ। इसका मतलब है सरकार शामिल है, सरकार शामिल है। प्रदेश के 2 लाख लोगों का युवाओं के साथ फरेब हुआ है, 2 लाख युवाओं के साथ धोखा किया गया, 75,000 लोग जो है वो रिटर्न टेस्ट में बैठे, 25-26,000 जो है उन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया और उसके बाद जो है पर्चा 6 से 8 लाख का बेचा। ये कोई करोड़ों का स्कैंडल थोड़ी है, ये तो अरबों का स्कैंडल है कि पर्चा 6-6, 8-8 लाख रुपए में बेचा, कितने लोगों ने खरीदा। और ये संख्या जो 100 लोग इन्होंने गिरफ्तार किए वो तो वो हैं कि जिन्होंने पर्चा खरीदा। मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर हैं, नैतिकता के आधार पे उनको इस्तीफा देना चाहिए था, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने एसआईटी बनाई, एसआईटी में वही अफसर डाले जो उसके लिए जो पर्चा लीक होने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, जो पेपर सेट किया था जिन्होंने और जिन्होंने जो है पेपर आगे जो है जिनकी कस्टडी में था। ये इतना सिंपल केस नहीं है जैसे इसको रफा दफा किया जा रहा है, इसको लॉजिकल एंड पे जाना है इस मसले को। और क्योंकि ये 2020 में भी पर्चा लीक हुआ और ये 2022 में भी लीक हुआ और वो पुलिस का पर्चा लीक हुआ, पुलिस मुख्यमंत्री के अधीन है, तो ये जो
फाइनलिटी कर दी कि पर्चा जो है प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ, हम इसको कतई मानने के लिए तैयार नहीं है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं और ये मसला जो है ऐसे एंड नहीं होगा। इसमें हम अपनी रणनीति बनाएंगे, हम पार्टी की आज मीटिंग है, हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। जयराम सरकार उसमें शामिल है और लगातार कितना टाइम वेस्ट कर दिया। जयराम बताएं कि सीबीआई क्यों नहीं आई, कि कहाँ पे इन्होंने उसको फॉलो किया। अगर ये गंभीर थे, एक चिट्ठी लिख के जो है अपनी जो है ड्रॉर में डाल ली, और जो है सीबीआई आज दिन तक क्यों नहीं आई, क्यों आपने जो है एसआईटी की जांच को नहीं रोका। जब आपने सीबीआई को दे दिया, आपको सारी जांचें रोक देनी चाहिए थी, लेकिन आप जांच कर रहे हैं सिर्फ मामले को रफा दफा करने के लिए, दबाने के लिए। तो ये जो कल की फाइंडिंग है, इसकी फाइंडिंग को हम नहीं मानते। हमारा ये मानना है कि सीबीआई यहाँ पे आए, जांच करे, नहीं तो अगर सीबीआई नहीं आ रही है तो इसकी जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी जाए, इसको हाई कोर्ट के सिटिंग जज के अधीन जो है इसकी जांच करवाई जाए। अगर सीबीआई नहीं आ रही है और सरकार उसको लाने में असफल है तो इसको जो है जुडिशियल प्रॉब करा दिया जाए। लेकिन जो एसआईटी का प्रॉब आपने इसको फाइनलिटी पे कर दिया है, ये कतई हिमाचल का कोई आदमी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ दबाने का प्रयास है।